10 मार्च रोजी जाहीर होणाऱ्या 5 राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. तर यावर आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांनी नागपुरात बोलत आपले मत मांडले आहे. आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांच्या मते उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपाला नुकसान सहन करावे लागणार आहे. भाजपा की रहा आसान नाही अशा शब्दात त्यांनी भाजपाला इशारा दिला आहे. शेतकरी आंदोलनासोबतच कृषी उत्पादनाला हमी भाव दिला नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे. याचा फटका भाजपाला बसण्याची शक्यता असल्याचे देखील तोगडिया म्हणाले आहेत. त्याचबरोबर युक्रेनमधून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात उशीर झाला असे मत प्रवीण तोगडिया यांनी मांडले. इसलिए इसमें प्रश्न नहीं है, लेकिन हमको हरे के समर्थक नहीं है. आकलन क्या होता है उत्तर प्रदेश में? मैंने कहा रहा कठिन है. जो किसान आंदोलन पहले से समेट लेते, पहले से कानून वापस लेते, 700 किसानों को मरने नहीं देते तो राह आसान था. और आज तक 700 हम 20,000 करोड़ रुपया अफगानिस्तान को दे सकते. हम मरने वाले किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपया नहीं दे रहे हैं. हमें प्यार भारत के किसानों से है, अफगानिस्तान से है. फिर लोग नाराज होंगे ही नहीं. यह सभी नाराज होने वाले किसानों ने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट दिया था. मेरा भी गांवों तक संपर्क है. आज वो नाराज क्यों है? आपका वोटर नाराज है क्योंकि 700 लोग हमने दिल्ली की सीमा पर मरने दिए. 5 किलोमीटर दूर थे, जाकर उसको मिल लेते, गले लगा लेते, क्यों नहीं किया? बेटा जिंदा रहे यह है. यूपी चुनाव जाए खाड़े में, किसी का बेटा न मरे वह महत्व का है. भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर निर्णय करता है और तटस्थ होने का यह निर्णय मेरी दृष्टि से उचित निर्णय है. रशिया के साथ भी हमारी आर्थिक और अमेरिका के साथ भी आर्थिक और डिफेंस दोनों टाई बनी हुई है. इस स्थिति में तटस्थ रहने का निर्णय ठीक है, ऐसा मेरा मानना है. कि हॉलैंड, रोमानिया, हंगेरी से बसीस लेकर मिनिस्टर जाए यूक्रेन में, बच्चे को बिठाकर लेकर आए और था -10 डिग्री में लड़कियां चल रही है, हमें शर्म नहीं आ रही है, कहाँ चलेंगे? और ऐसी स्थिति में कनाडा में 4 गुजरात के लोग ठंड के कारण मारे गए हैं. और कनाडा में जो बॉर्डर पर स्थिति है वही स्थिति टेम्परेचर की यहाँ यूक्रेन में है. बसेस भेजो, उनको यूक्रेन में जाकर ले आओ और हमारी बसेस पर ऐसा झंडा लगाओ ताकि उस पर बॉम्बार्डिंग रशिया न करे. रशिया से भी हमारे अच्छे संबंध है और यहाँ से एयरलिफ्ट करो. पर यह काम 15 फरवरी को हुआ होता तो यह लाखों परिवार की नींद खराब नहीं हो जाती. विलंब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. विलंब हुआ ही है.